हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्नाज रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत यम्मी सी डिश और वो बनने वाली है सोया बड़ी से। फ्रेंड्स, बनाते हैं सोया चाट। हे गाइस, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं सोया चाप। सोया चाप के लिए सबसे पहले तो हमने लिया है ये, हमने 150 ग्राम हमने लिया है सोया बड़ी, जिसे कि न्यूट्रेला भी कहते हैं और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। काफ़ी हेल्दी होती है, प्रोटीन्स काफ़ी होता है। तो ये हमने 150 ग्राम सोया बड़ी लिया है, जिसे कि हमने 2 मिनट के लिए उबलते पानी में डाल दिया है और इसे 15 मिनट तक ऐसे ही रख दिया है ताकि अच्छे से सोख हो जाए, भीग जाए। तो इसको अभी हम साइड में रख लेते हैं और सबसे पहले हम अपना मसाला तैयार करते हैं। तो मसाले के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का पॉट और हमने एक प्याज लिया है, इसमें डालते हैं हम एक मीडियम साइज का प्याज और हमने लिया है 10 से 12 लहसुन की कलियां। इसमें हमने करीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और हमने ली है इसमें 2 हरी मिर्च, इसे तोड़ के डाल देते हैं और इसका मिक्सी में एक फाइन पेस्ट बना। ये हमने प्याज वाला पेस्ट पीस के तैयार कर लिया है, इसे हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सा रखना है और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम लेंगे सोया बड़ी और सोया बड़ी का जितना जो पानी है इसको बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम सारी सोया बड़ी को निचोड़ करके मिक्सी के पॉट में डालते जाएंगे। ये हमने सारी सोया बड़ी का जो पानी है उसे बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है और हमने इसे मिक्सी के पॉट में डाला है। अब हम इसे पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमने भीगी हुई सोया बड़ी को मिक्सी में पीस लिया है। आपको इस वक्त का ध्यान रखना है कि इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसके साथ ही हम लेंगे एक बाउल, हमने लिया है सोया बड़ी सूखी वाली, इसको भी हम मिक्सी में बारीक पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। हमारा जो मिर्ची अदरक और प्याज का पेस्ट है उसको हम एक बाउल में डालेंगे। और इसमें जो हमने बारीक पीसे थे सोया बड़ी उसे भी इसमें डाल देंगे। अब हम हमारी जो पीसी हुई सोया बड़ी है इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में सबसे पहले हम लेंगे, हमने लिया है 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। और लेंगे हम इसमें आधा टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें काला नमक, इससे इसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें हींग, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ली हमने कसूरी मेथी, इससे इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और साथ ही लिया है हमने इसमें 1 टीस्पून लिया है नींबू का रस, चाहे तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका जो कलर है बहुत अच्छा आ जाएगा। और हमने लिए हैं थोड़े से फ्रेश मिंट लीव्स लिए हैं, इससे डालने से इसका जो टेस्ट होता है बहुत उभर करके आता है, बिल्कुल मिंटी मिंटी सा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से ये बाइंडिंग का काम करता है। और 2 चम्मच डालेंगे इसमें चावल का आटा। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे जो सोया बड़ी थी जिसे कि हमने मिक्सी में पीस लिया था, उसमें से 2 चम्मच इसमें मिक्स करेंगे।
जिससे कि जो हमारे सोया चाप है बहुत क्रिस्पी बनेंगे, और एक बाय उससे उसे जो एक्स्ट्रा वाटर होगा सोया बड़ी में वो भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसे हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका डो बना लेंगे। हमारा जो सोया चाप का मसाला है, मिक्सचर है, उसे हम 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम आपको स्टिक पर बनाना बताएंगे। सबसे पहले एक स्टिक लेंगे और एक छोटा सा बॉल लेंगे, इसको हल्का सा हम ऐसा सिलेंड्रिकल कर लेंगे और इसमें इसको स्टिक को फंसा देंगे और इसमें इसको ऐसे दबा देंगे। ये बनाना ज़्यादा इजी है तो आप इस टाइप से भी बना सकती है, और एक खाने में भी ऐसा लग रहा है जैसे हम लॉलीपॉप खा रहे हैं, तो इस टाइप से बनाइए। और आप इसमें जो हमारा सोया क्रम्स है उसमें हम इसको डिप करेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे, और इस तरह से सारे हम अपने सोया चाप बना के तैयार कर लेंगे। हमने एक साइड में कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। इस तरह से हम अपने सारे सोया चाप बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इसे करते हैं डीप फ्राई। इसे हमें स्टिक के साथ ही तलना है। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे सोया चाप है बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप चाहे तो आपके घर में पार्टी हो तो आप पहले से भी इसे प्रिपेयर करके फ्रीजर में 1 हफ्ते के लिए रख सकती है, और जब टाइम आए तो आप इसे तल के सर्व कर सकती हैं। फ्रेंड्स हमने अपने सारे सोया चॉप्स को तल के तैयार कर लिया है। देखिए काफी क्रिस्पी और काफी क्रंची से बने हैं, तो अब हम इसे और टेस्टी बनाते हैं। ये हमारा सीक्रेट चटनी है, तो ये है हमारा सेजवान चटनी। हम इसका फ्लेवर इसमें देंगे। चाहे तो आप इसे इसमें धुआं करके, जो तंदूर का धुआं होता है वो भी इसमें कर सकते हैं। तो हम इसे ब्रश की सहायता से जो हमारे सोया चाप है इसके ऊपर कोट करेंगे। इससे आपके जो सोया चाप है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। इस तरह से हम सारे हमारे सोया चॉप्स को कोट कर लेंगे चटनी से। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे क्रिस्पी से, क्रंची से, टेस्टी से सोया चाप। चाहे तो आप इसमें सोया बड़ी के बदले कीमा का भी यूज कर सकती है, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अगली नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए।